हेलो लो फ्यू इंटरनेट मैच कम्युनिटी, आपका स्वागत करता है एंड वी आर बैक विद अनदर प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो। ओके, कल तो है थर्सडे का थर्सडे और थर्सडे को है निफ्टी 50 का एक्सपायरी। ओके, तो निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी दोनों में कौन कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और कौन कौन सा प्राइस एक्शन सिनेरियो मार्केट बना रहा है, ये सभी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं चार्ट्स पर और देखते हैं कि मार्केट में कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। निफ्टी 50 की बात करें तो देखो एक चीज क्या दिख रही है, एक बड़ी सी रेंज यहाँ पर चल रही थी। रेंज के बाद मार्केट थोड़ा सा आज ब्रेकआउट देता हुआ दिखा हमें, बट ऊपर की साइड आप देख रहे हो ये वाला एक डबल टॉप जैसे एक बड़ा सा सिनेरियो था, उसका एक नेकलाइन वाला पार्ट था जहां से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, और उसके बाद ये ब्रेकडाउन के बाद एक बड़ा सा फॉल आया था, तो मार्केट वही के आसपास से सेल ऑफ थोड़ा सा देखता हुआ दिख रहा है। तो एक चीज क्या हो सकती है, ये जो भी ब्रेकआउट वाला सिनेरियो है ना, वहां पर थोड़ा सा बोल सकते हो मार्केट थोड़ा सा ट्रैप करने की कोशिश कल के दिन में कर सकता है हमें। ओके, तो जब तक ये ऊपर की साइड में बोल सकते हो कि 21900, ठीक है, जब 21900 के ऊपर सस्टेन नहीं होता तब तक थोड़ा सा कॉशियस होकर ट्रेड करिएगा सीई साइड में। ओके, 21900 इफ टूटता है तो ये ऊपर की साइड में 22000 तक भी जा सकता है, उसके बाद फिर ऑल टाइम हाई दूर नहीं है। ठीक है, तो ऊपर की साइड में ये चीज ध्यान में रखिएगा। रेस्ट इफ मार्केट जो भी क्लोज हुआ है 21850 के आसपास, उससे इफ गैप डाउन खुल जाता है तो जो भी नीचे की साइड के 21700 वाले लेवल हमारा फर्स्ट सपोर्ट एरिया हो जाएगा। 700 के ऊपर भी देखो ये एक टॉप्स जैसे कुछ बने हैं। ठीक है, तो 750 वाला जो भी ये एरिया है वो भी हमारे लिए छोटा सा सपोर्ट का काम कर सकता है। तो मार्केट नीचे गैप डाउन कितना खुलता है, गैप अप कितना खुलता है, उस पर थोड़ा सा डिपेंड हो जाएगा कि कौन कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो नीचे की साइड में 750-700 वाला लेवल हमारा फर्स्ट टारगेट एरिया हो जाएगा इफ ये नीचे आता है तो। उससे नीचे फिर आप देखोगे आज से जो भी रैली स्टार्ट हुई है या फिर मार्केट लास्ट 2 डेज से जहां पर कंसोलिडेट कर रहा था वो है 21540 वाला एरिया। ठीक है, या फिर साइकोलॉजिकल लेवल बोल दीजिए 21500 वाला। ठीक है, तो 21500 इफ नीचे की साइड टूटता है या फिर बोल सकते हो कि वो हमारा मेक और ब्रेक सपोर्ट एरिया है जहां पर मार्केट बहुत सारी बार सपोर्ट लेके फिर रिवर्स किया है। ठीक है, तो मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स इफ मार्केट को नीचे आना होगा तो ये लोअर रेंज तक आ सकता है, तो वो चीज ध्यान में रखिएगा। इफ ये टूटता है तो फिर नीचे की साइड मार्केट 21300 तक भी मूव होने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो ये तो थे गाइस बैंक निफ्टी 50 के लेवल्स। चले चलते अभी निफ्टी बैंक पे कि निफ्टी बैंक क्या कर रहा है। ठीक है, तो निफ्टी बैंक में आपने देखा होगा आज बढ़िया सा एक वन साइडेडली बोल सकते हो कि मोमेंटम हमें ऊपर की साइड में देखने को मिला। आउटलुक की बात करें तो देखो एक गैप डाउन हमें एक्सपेक्टेड था कल के दिन में, एक अच्छा खासा गैप डाउन हमें आज के दिन में देखने को मिला। और उसके बाद एक चीज हमें क्या देखने को मिली कि मार्केट वन साइडेडली रैली करा, बट एक चीज क्या है लास्ट 3 डेज से ये वन साइडेडली मूव कर रहा है, या फिर वन साइडेडली इन द सेंस के पहले नीचे की साइड वन साइडेड मूव था, फिर कल के दिन में फिर से ऊपर की साइड था और आज फिर से ऊपर की साइड में मूव करा है। तो एक चीज क्या है, आज के दिन में बोल सकते हो कि बहुत ही बढ़िया वाली बाइंग हमें देखने को मिली, इनफैक्ट अच्छा खासा प्रॉफिट भी हमने बुक किया। अभी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर एक BTSD हमने 46200 के आसपास एक रेजिस्टेंस एरिया था वहां पर दिया था कि मार्केट पुट साइड आ सकता है, बट एक अच्छा खासा मोमेंटम उसने तुरंत ही दे दिया तो हमारा BTSD हमने वहीं पर बुक कर लिया। तो अभी मार्केट में क्या एक चीज एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, देखो यहाँ पर एक चीज क्या हुई है ऑलरेडी कि ऑलरेडी वन साइडेड मूव है। ओके, तो हर बार हम क्या बोलते हैं जब भी मार्केट सपोर्ट के आसपास एक वन साइडेडली इंपल्सिव मूव बनाता है तो इंपल्सिव मूव के बाद एक ऑलवेज करेक्शन आता है। ठीक है, फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी आपको पता है मार्केट ऑलवेज रिट्रेसमेंट लेता है, उसके बाद ही जो भी प्रायर ट्रेंड है उसे फॉलो करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यहां पर एक चीज क्या हो सकती है, यहां से भी आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहां तक लगाओगे तो मे बी 0.5 या फिर 0.6 तक का रिट्रेसमेंट यानी कि 45500 तक का एक लेवल हमें देखने को मिल सकता है इफ इसे प्रॉपरली जो भी हायर लोज एंड जो भी हायर हाइज जो भी वो फॉलो करता है वो बनाना होगा, तो इसे ऊपर जाके फिर से नीचे आना होगा फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ बना सकता है इफ इसे ट्रेंड शिफ्ट करना होगा, तो वो एक चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इफ कल के दिन में बोल सकते हो कि मार्केट थोड़ा बहुत फ्लैट या फिर नेगेटिव खुलता है तो ये 45500 तक आने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, इफ देखो मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव होता है फर्स्ट सपोर्ट एरिया 45500, और नीचे की साइड में देखो मार्केट अभी इतना ज्यादा वॉलेटाइल है ना, तो इसके लिए 400-500 पॉइंट मूव होना बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये 45000 भी नीचे की साइड आ सकता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। और ये 45000, 44, 650 ये सभी सपोर्ट एरियाज है, बहुत ज्यादा नजदीक है और वॉलेटिलिटी में इतना ज्यादा मोमेंटम आता है कि मार्केट बहुत ज्यादा ही बोल सकते 200-300 पॉइंट तो ऐसे ही मूव हो जाता है। ठीक है, तो नीचे की साइड 45000 एंड और उससे नीचे 44650 दैट विल बी अवर सपोर्ट एरिया, प्लीज कीप इन माइंड। ओके, और ऊपर की साइड में देखो 46200 हमारा टूटना बहुत ज्यादा जरूरी है, 46200 टूटेगा तो थोड़ा सा हमें बाइंग मोमेंटम मिल सकता है वो भी 46500 तक। ठीक है, 46500 एक हमारा साइकोलॉजिकल लेवल है जहां पर बोल सकते हो कि बहुत सारे कॉल राइटर्स बैठे होंगे। ठीक है, तो ये लेवल सभी गाइस ध्यान में रखिएगा, रेस्ट जो भी गैप अप गैप डाउन सिनेरियो है
वो थोड़ा सा बोल सकते हो हमारे यूएस मार्केट्स पर डिपेंड करेगा। लाइक आज का एग्जांपल ही ले लो, मार्केट या फिर डाउ जोन्स की बात करें, यूएस का जो भी मार्केट था वो अच्छा खासा 550 पॉइंट डाउन था, ठीक है। उसकी वजह से हमारा गिफ्ट निफ्टी 180 पॉइंट डाउन था और उसकी वजह से हमें एक 450 पॉइंट 350 पॉइंट का एक गैप डाउन हमें देखने को मिला। ओके, तो थोड़ा बहुत यूएस मार्केट पर ये चीज डिपेंडेंट हो जाएगी, तो प्लीज वो भी चीजें हमें ट्रैक करनी रहेगी। ओके, तो होप गाइज ये सभी लेवल्स आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में अच्छे से हेल्पफुल हो। ओके, तो आज के लिए इतना गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए सो मच।